हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशांक, इस चैनल का होस्ट, और यहां पे हम करते हैं कोडेड पार्ट्स को डीकोड। और आज जिसको हम सुनने वाले हैं वो वन ऑफ आवर फेवरेट सीधे मौत का रेड बुल के साथ, आई थिंक कोलैबोरेशन कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, बट इन्होंने उनके लिए गाना बनाया है जिसका नाम है सरहू था। सो लेट्स चेक दिस आउट। एंड अभी प्रीमियर पे लगा है 4 बजे और हम प्रीमियर के साथ आ गए हैं। सो 30 सेकेंड बचे हैं, तो देखते हैं भाई कैसा गाना है। सर उठा के नाम से ऐसा लग रहा है, इट्स लाइक जैसा पंख गाना था ना, इट्स लाइक वैसा ही कुछ। सर उठा कुछ मोटिवेशन लग रहा है, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल है ना। सो बार्स होने वाले हैं, फ्लोज होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा फ्लोज तगड़े होने वाले हैं। सो आ जाओ भाई बिना किसी देरी के, चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। आ जाओ भाई, वी आर रेडी। कला का फलदार फलसफा है सलाफदास, तो फिर आज चल सर उठा, अंदर झांक और ये डर भगा, देवला को मात पर रात है तू पर होगा। वो डिवाइन भी है और ब्रोदा भी है वीडियो में, शेट उठाते जा चमकते जा, ये तेरा देसी भी है तो लिख के आग उगलते जा, भुला के कष्ट आगे बढ़ते जा, हमें भी है तो आना के है तू क्या वो कर दिखा। स्टॉप विद द फ्लो काम भाई, स्टॉप विद द फ्लो। हर बार कुछ अलग ही फ्लो होता है भाई इनका। एंड ही इज जस्ट ही इज टेलिंग ही इज टॉकिंग अबाउट द थर्ड गाय, लाइक किसी थर्ड उसके बारे में बात हो रही है कि वो बंदा सोना नहीं था, वो बंदा पीतल था, है ना, समथिंग लाइक दैट। दोबारा सुनते हैं और आ जाओ भाई। सोना था बंदा वो, खुद होगा नहीं कुछ अभी समझा, गुस्सा बटेरा था भरा जिस बात को लेके हो जाता था ठंडा वो, पूरा था गोला बारूद के फटे जब आके समझा के बोला तू भी के था फटने को उसको को चंदर और एक ही थी मचा उछालेगा चंदर लगेगा पान। वो गोला बारूद था वो बंदा, बस एक ही थी मंशा के उछालेगा जनता को। ये हर रैपर का ड्रीम होता है ब्रो। वो 5 से 9 था, 5 से 9 था करता काम, और 9 से 5 वो सोता नहीं था। ये डीएमसी भी है, अंदर झांक और ये डर भगा, देवला को मात पर रात है तू पर होगा, आवाज उठाते जा चमकते जा, ये तेरा पहले फटने का तो लिख के आग उगलते जा, भुला के कष्ट आगे बढ़ते जा, स्पॉटलाइट ऑन आके है तू क्या वो कर दिखा। तो वीडियो लाख आवाजें धड़कते दिल बहती आगे बहती सांसें, उनको थामे चल हम जीत के आए अपने माथे पर है भार ढोले आए अपने कांधे पर, सारा आर पार खड़े उतरे अपने वादे पर, संसार तेरे आगे अपने कांधे पर, लड़ता जा और वापस उठ के रखते जाते पर और पड़ता जा। एक मिनट, ये वाला दोबारा सुनेंगे। ओके ओके, सो दिस इज टाइप ऑफ शो, अ काइंड ऑफ शो जिसमें लाइक हिप हॉप शो, जैसे हसल आया था वैसे ही आई थिंक कुछ शो होगा जो रेड बुल प्रेजेंट कर रहा है, और नाम है रेड बुल स्पॉटलाइट आई गेस। तो वहाँ पे इट्स अ थीम सॉन्ग बेसिकली, जैसे हसल के हसल 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 करके रफ्तार ने एक थीम सॉन्ग दिया था, वैसे ही इसके लिए सीधे मौत ने थीम सॉन्ग दिया है। सो इट्स अ गुड सॉन्ग, और देखते हैं भाई इस वाले शो में क्या होता है। बाकी हसल तो था ही अपना, बाकी इसमें देखेंगे क्या सीन है। और आ जाओ, गाना तो बढ़िया बनाया है। संसार तेरे आगे अपने कांधे पर, लड़ता जा और वापस उठ के रखते जाते पर
का जल स्वर उठा अंदर झाक और ये डर भगा दे बला को मात पर रहा है तू पर होगा आवाज उठाते जा चमकते जा ये तेरा पहले फटने का तो लिख के आग उगलते जा भुला के कष्ट आगे बढ़ते जा स्पॉटलाइट ऑन आके है तू क्या वो कर दिखा ए बीट इज गुड ओवर ओके बट मेरे को एक बात नहीं समझ में आई. इन्होंने बोला कि ऑल एपिसोड विल बी स्ट्रीम्ड एमएक्स प्लेयर पे पूरे एपिसोड. इट्स लाइक अ शो और समथिंग लाइक वेब सीरीज टाइप कुछ मतलब सारे एपिसोड्स. आई थिंक ये पूरा रैप सुपरस्टार या लाइक इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन शो जिसमें जो ऑलरेडी शूट हो चुका है जिसका विनर ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है बट इसके एपिसोड्स अब आएंगे. I think maybe this kind of thing हो सकता है possible है but yeah और वहाँ पे divine भी है. वहाँ पे कौन कौन था? सीधे मौत था, divine था, एमीवे था, DMC थी, D-Evil था, Nazy था और MC Code भी था और कौन था और ध्यान नहीं आ रहे बट हाँ ये सब लोग एक साथ. और मैंने लाइक रेडबुल का कुछ देखा था, उन्होंने पोस्ट भी किया था उससे रिलेटेड कि सारे एक साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं ब्रो. मज़ा आएगा वो एपिसोड देखने में जब आएगा बट आई एम वेटिंग फॉर दैट. बट ये शो पर्टिकुलर शो का सीन बताओ कि एम एक्स प्लेयर पे सारे एपिसोड एक साथ आ रहे हैं इसका मतलब क्या है? मतलब कॉम्पिटिशन है क्या? हसल टाइप का कुछ है क्या ये शो? सो अगर है तो. और बाकी गाने के बारे में इट्स लाइक इट्स ऑल अबाउट द कंटेस्टेंट्स के भाई उसकी आवाज़ थी, उसको ये करना था, वो ऐसा है, वो सोना था, वो पीतल नहीं, वो मुंह जब खोलेगा तो वो गोली की बात करेगा और तू से नहीं रोक पाए. इट्स ऑल अबाउट लाइक कहीं ना कहीं मोटिवेशन था, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशनल था और ये एक उस पर्टिकुलर कंटेस्टेंट के लिए लिखा गया था. सो और उसके लिए सीधे मौत को चुना तो ब्रो उसमें एक जो पर्टिकुलरली जो तू एक जो सेटिस्फैक्शन चाहिए ना कि थीम सॉन्ग किसी कॉम्पिटिटिव शो के लिए एक थीम सॉन्ग तो दिस इज लेजिटली बहुत ही सेटिस्फाई लाइक कॉम्प्लीमेंटेड वाला कह सकते हो तुम ये गाना. ठीक है कॉम्प्लीमेंटेड शो के लिए कॉम्प्लीमेंटेड कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर शो को अगर ये है तो कॉम्पिटिटिव शो. बाकी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बाकी देखते हैं ये कब आएगा और डेट अनाउंस की थी वो बाद में देख लूंगा. बाकी तुम बताओ भाई तुम्हें कैसा लगा. सो अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा बाय बाय एंड सी यू एंड नो व्हाट टू डू. यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो और कमेंट जरूर करके जाना. एंड वी आर वेटिंग फॉर सीधे मौत नेक्स्ट सॉन्ग. सो बाय.